Hi friends, myself Dr. Vikas Malla. I'm an MD in pediatrics. आजकल हमारे पास ओपीडी में रोज पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि MR वैक्सीनेशन होती क्या है, इसको स्कूल में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको लगाने के बाद हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम MR वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहेंगे जिससे मुझे लगता है कि आपको इस बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी। MR वैक्सीनेशन बेसिकली वैक्सीनेशन होती क्या है? MR वैक्सीनेशन के अंदर दो वैक्सीन है, एक मीजल्स की वैक्सीन है, एक रूबेला की वैक्सीन है। मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है। आपने सुना होगा कि बच्चों को बुखार हो गया, उसके बाद दाने निकल गए, जिसको हम आम भाषा में माता बोलते हैं। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 30 लाख बच्चों को मीजल्स का इन्फेक्शन होता है, उनमें से 90% बच्चे हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, 27 लाख बच्चों को हर साल हिंदुस्तान में मीजल्स होती है। इतना ही नहीं, हर 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में 500 बच्चों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इस बीमारी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी हैं, जैसा कि किसी को मीजल्स होने के बाद निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है, दिमागी बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है, कान का बारी बारी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, और बच्चों को माल न्यूट्रिशन यानी कि वजन कम होना, भूख ना लगना और क्रॉनिक इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरी वैक्सीनेशन जो है वो है रूबेला की। रूबेला एक जो इन्फेक्शन होता है वो माँ से बच्चे को फैलता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर बच्चे को दिमागी, आंखों से, कान से और दिल से इनकी दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि परमानेंट दिक्कतें हैं। इनका कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपके बच्चों को एक बार भी ये इन्फेक्शन हो गया तो इसका कोई भी आउटकम नहीं होता। हर साल हिंदुस्तान में 40,000, जी हाँ 40,000 बच्चों को भी इन्फेक्शन होता है और डॉक्टर इसका कोई उपचार नहीं कर सकते। मीजल्स की वैक्सीनेशन को अगर देखा जाए हिंदुस्तान में कितने परसेंट बच्चों को लगती है, सिर्फ 50 से 55% बच्चों को हर साल हिंदुस्तान में ही वैक्सीनेशन मिल रही है। इवन जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियन से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, सेंटर से जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके बाद भी इस वैक्सीन को सिर्फ 55% हम लगा पा रहे हैं। और रूबेला की वैक्सीनेशन का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, सिर्फ 45% बच्चों को, ओनली 45% चिल्ड्रन इन इंडिया गेट द वैक्सीनेशन विद रूबेला। तो ये वैक्सीनेशन लगानी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण सवाल अब हमारे सामने आता है। दोस्तों ये वैक्सीनेशन आपको लगानी चाहिए। अगर आपके बच्चों को पहले से वैक्सीनेशन तो भी आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। अगर आपके बच्चों को दो बार वैक्सीनेशन है, आपने पीडियाट्रिशियन से भी लगाई तो भी आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए फिर सवाल आता है। ये वैक्सीनेशन जो है अगर आप दो बार लगा चुके, अगर आप तीसरी बार ले रहे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं इससे। इसका अगर आप दो की जगह 3 डोज ले रहे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो पहली बात, अगर आप 2 वैक्सीनेशन है तो भी आप एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको वैक्सीनेशन के जरूर जाना चाहिए। और अगर आप एक वैक्सीनेशन लिया तो आपको एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। दूसरी बात, ये पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन सेफ है कि नहीं सेफ है। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीनेशन है, इसका कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। ये वैक्सीनेशन कोई नई वैक्सीन नहीं है, पिछले 40 सालों से दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन यूज हो रही है। उसी वैक्सीनेशन को इंडिया के अंदर यूज किया जा रहा है। ये WHO की फंडिंग प्रोजेक्ट है जो साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री के अंदर एक फेज मैनर के अंदर कर रहा है। राइट नाउ ये नॉर्थ इंडिया के अंदर कई स्टेट के अंदर ये वैक्सीनेशन हो रही है, ये बिल्कुल सेफ है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछी जाती है कि स्कूल अथॉरिटी कहते हैं कि अगर उसको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीनेशन का। पहली बात, अगर कोई साइड इफेक्ट है तो फीवर होना, बच्चों को रैश होना, हल्के से मसल पेन होना, हल्के दाने होना, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सिर्फ गवर्नमेंट यह अश्योर करती है कि जो स्कूल या जो भी अथॉरिटी इसको वैक्सीनेशन दे रही है उनकी एक बैकअप टीम हो, एक मेडिकल टीम हो, ताकि आपके बच्चों को अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। तीसरी बात ये पूछी जाती है कि अगर ये वैक्सीनेशन हम अपने बच्चे को दे रहे हैं तो किस तरह की कंडीशन में वैक्सीनेशन अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके बच्चों को बहुत तेज बुखार है, उसको दिमागी बुखार है, अगर आपका बच्चा एडमिट है, अगर आपके बच्चे को बारी बारी दौरे पड़ते हैं तो ये वैक्सीनेशन पीडियाट्रिशियन की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, इस वैक्सीनेशन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाए प्रोजेक्ट का हेल्प आपके लिए हो रही है, आपके बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हो रही है, सोसाइटी के भले के लिए हो रही है, तो आपको इस वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे यूट्यूब के नीचे डिस्क्राइब एड्रेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।